चैनल के आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज की जो है वीडियो है ये मैं गोवा में शूट कर रहा हूँ और केवल इस वीडियो को बनाने का केवल इकलौता यही रीजन है कि अगर आप में से कोई भी गोवा में आता है एंड स्पेशली वो लोग यहाँ पर आके गाड़ियां हायर करते हैं, बाइक हायर करते हैं, तो मैं आप लोगों को स्पेशली बताने वाला हूँ कि अगर आप में से कोई भी गाड़ी हायर करने वाला है तो कुछ चीजें हैं जिसका आप लोगों ने ध्यान रखना है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों को कैसे यहाँ पर बेवकूफ बनाया जा सकता है। एंड यूजली बहुत सारे कस्टमर्स या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि यहाँ पर आते हैं फैमिली के साथ आते हैं और लोग उनका बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, वो आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से आप लोग जो है बहुत ज्यादा ऑफेंडेड हो जाते हो और आप लोगों को लगता है कि भाई यार हमने क्या गलत डिसीजन ले लिया और आप हार के उनको पैसे दे देते हो। लेकिन सबसे जरूरी चीज कैसे ये आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और कैसे आप समझ सकते हो उसके बारे में आज की वीडियो बताऊंगा। हर कोई बंदा बुरा नहीं होता है, जिनसे मैं गाड़ी लेता हूं ही इज अ वेरी जेम काइंड ऑफ गाय, तो मैं उनके लिए ये रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो अच्छे और बढ़िया बंदे से ही गाड़ी लो। सो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट और आप लोगों को एक एक पॉइंट में समझाने वाला हूं। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट जो कि आप लोगों को जब भी मतलब मैं स्पेशली गोवा आता हूँ, मैं जो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, आप लोग जब भी गोवा आ रहे हो सबसे पहले आप लोग कैलंगूट या बागा बीच कहीं पर भी अगर आप लोग प्लान कर रहे हो जाने का तो आप लोग पहले अपने स्पॉट में पहुंच जाओ और वहां जाके आप लोग थोड़ा सा सर्चिंग करो कि गाड़ियां कहां कहां पर क्या क्या अवेलेबल है। आप लोगों को एक चीज बोलूंगा कि हर किसी के पास जाओ, रेट ट्राई करो। यूजली अगर आप लोग गाड़ियों के बारे में बात करते हो जैसे i20 या स्विफ्ट हो तो इनका यूजली प्राइस रहता है 1200 से 1500 और सीजन के टाइम पे हो सकता है या 1700-1800 रुपए हो। ऑफ सीजन में ये रेट 800 से 1000 रुपए का रहता है। मैंने स्विफ्ट ले रखी है जो कि मैं आप लोगों को दिखा दूंगा किस कंडीशन में है। इट्स अ टॉप एंड वेरियंट। इससे पहले जो मैंने ली थी स्विफ्ट वो बेस वेरिएंट थी, टॉप एंड मैंने इसलिए एक्सपेंड किया क्योंकि भाई मेरे को जो है गाड़ी चाहिए थी वो बढ़िया वाली चाहिए थी और मैं छोटी गाड़ी से मेरे को ऐसा मजा नहीं आता और टॉप एंड में जो चलाने का मजा है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होता है। आप लोगों को बोल रहा हूं जब भी आप लोग दिल्ली से या फिर मुंबई से या किसी भी स्टेट से आते हो गोवा में तो आप लोग जो है सबसे पहले गोवा के जो एयरपोर्ट है वहां से अगर आप लोग चाहो तो आप कैलंगूट या बागा बीच वाला या जहां पर भी आप लोगों को जाना है वहां के लिए आप लोग कैब बुक कर सकते हो। कैब बुक करो, वहां तक पहुंचो और वहां पर सर्चिंग करो क्या क्या रेट है। एक बंदे के पास मत रुकना, अलग अलग बंदों के पास जाओ और उनसे गाड़ी के रेट लो। आइडिया मैंने दे दिया, बड़ी गाड़ी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, SUV कोई भी लेने का मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, छोटी गाड़ी लो, इट इज वैल्यू फॉर मनी और मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद बात आती है कि भाई सबसे जरूरी चीज कि भाई जब आप लोग उधर आ गए, आप लोगों ने सब लोगों से रेट ले लिए और गाड़ी लेने की बारी आती है तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बोलूंगा, जो भी गाड़ी आप लोग डन करो सबसे पहले उस गाड़ी का पूरा एक ओवरव्यू की वीडियो बनाओ, अंदर से उसमें देखो कि कितना पेट्रोल है। और आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करूंगा, अगर आप में से कोई भी थार खरीदता है तो थार में बेवकूफ बनाने का खेल कैसा होता है, उसमें जो मीटर होता है वो हो सकता है कि वो कहे कि भाई हमने तो आपको 1000 का तेल डाल के दिया था, आपने इतना कम क्यों दिया। तो मैं आप लोगों को कहूंगा जो भी है डिजिटल मीटर वाली गाड़ी खरीदो, उसका फायदा केवल सबसे बड़ा यही रहता है कि डिजिटल मीटर में आप लोगों को कम से कम डंडिया दिख जाएगी जिससे एक ओवरव्यू अच्छा होता है। गाड़ी की वीडियो जरूर बनाओ, उनसे एक पर्ची जरूर लो, ठीक है। पर्ची लेने का क्या फायदा होता है भाई, उनके पास आपका प्रूफ है और आपके पास उनका प्रूफ है कि उन्होंने आपको गाड़ी दी है। ऑल दो यहाँ पर अगर आप लोग गाड़ियां परचेज करते हो मतलब रेंटेड करते हो तो आप लोगों को जो गाड़ियां मिलेगी वो येलो नंबर प्लेट की होती है। सो हाईली रिकमेंड भाई मुसाफिर, जब भी आप लोग गाड़ी कोई हायर करते हो तो उसकी पूरी ओवरव्यू की वीडियो बनाओ, मीटर चेक करो, गाड़ी को चला के देखना चाहो चला के देख सकते हो, कहीं अगर फॉल्ट हो या फिर क्लच प्लेट से रिलेटेड हो या इंजन से रिलेटेड हो, बाद में आपको बोले कि नहीं भाई ये तो आपकी गलती है, तो सब चीजें कान वान सब खोल के रखना। अगेन अच्छे बंदे से गाड़ी लोगे तो वो आपको अच्छी गाड़ी ही देगा। तो देखो गाड़ी जो है रेंट करने का वो बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है। आपने बंदे के पास जाना है, वो आपसे आपके आधार कार्ड की फोटो और हो सकता है आपके लाइसेंस की फोटो ले और एक आईडी प्रूफ या वो आपका आधार कार्ड हो सकता है। लाइसेंस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कभी मत देना क्योंकि अगर पुलिस वाले ने कहीं पकड़ा तो आप लोगों के पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। हमेशा उनको अपना आधार कार्ड दो, नहीं तो अगर कुछ हो तो आप दे दो। और एक चीज मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं, गाड़ियां छोटी ही लेना, बड़ी गाड़ी लोगे आप फंस जाओगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है। एंड सबसे बड़ी चीज आप लोगों ने लोकल बंदों से बहुत प्यार से बात करनी है क्योंकि गोवा जो है वो बहुत एक अच्छी जगह है, बहुत जॉली जगह है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आके जो आप लोगों को पता है बिल्कुल पागल से हो जाते हैं। तो भाई आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब भी गाड़ी हायर कर रहे हो छोटी गाड़ी हायर करना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप गाड़ी में बेसिकली पेट्रोल या डीजल या कुछ भी डलवाते हो उसकी पर्ची जरूर रख लेना अपने पास, जिससे अगर बाय चांस बाद में जाके कोई दिक्कत आए तो आप उस बंदे को दिखा सकते हो कि भाई मैंने इतने का तेल डलवाया था, इस टाइम पे डलवाया था। और एक चीज सबसे रिकमेंडेड बता देता हूँ, जब भी आप जैसे गाड़ी लेते हो अगर आप ज्यादा दिन के लिए गाड़ियां लोगे तो आपको गाड़ी सस्ती मिलती है। अगर ऑफ सीजन की बात करोगे 1000-1200 में आप लोगों को गाड़ी मिल जाएगी। अगेन डिपेंड्स ऑन योर कार, कौन सी कार आप खरीदते हो, और अच्छे बंदे से ही गाड़ी खरीदना। और एक इसमें जो आप लोगों को बताता हूँ एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या होती है कि अगर आप लोगों की बातचीत अच्छी बन जाती है
तो वो आपको पिक एंड ड्रॉप भी अवेलेबल कराए थे, जो कि 1000 से 1200 रुपए में आप लोगों को, मतलब वो एयरपोर्ट के बाहर से गाड़ी दे देंगे और जब आप घर जा रहे होंगे तो आप लोगों को एयरपोर्ट के बाहर ही छोड़ देंगे। तो ये आप लोग खुद सोच सकते हो इसके बारे में कि अगर आप चाहो तो करवा सकते हो। तो अभी सूरज भाई जो है वीडियो शूट कर रहे, तो थोड़ा इधर उधर कैमरा हिला रहे, प्लीज माइंड मत करना। और सबसे जरूरी चीज मैं आप लोगों को यही कहूंगा, अपने पास अपना आईडी प्रूफ रखो और वो बंदा आपको परफेक्ट एक पेज देगा जिसमें सब चीजें लिखी होती है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो गाइस यूजुअली एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी आप गोवा जा रहे हो या फिर कोई ऐसी जगह जाते हो जो मतलब अच्छा चिल प्लेस है, तो वहां पर आपको गाड़ी रेंटिंग ईजी होती है। लेकिन अगेन अगर आप यहाँ पर गाड़ी रेंट करते हो और आप लोगों ने उसकी वीडियो नहीं बनाई और बाद में जाके अगर उसमें स्क्रैच या डेंट वेंट कुछ भी हुआ, जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, हमेशा फोटो खींचो, वीडियो खींचो। अगर आपने नहीं खींचा तो बाद में वो आप लोगों के ऊपर ब्लेम डाल सकते हैं। इवन जितना तेल, अगर आपने 2 डंडे में तेल की गाड़ी ली थी तो उतने ही डंडे में उनको गाड़ी वापस करनी है। ये इधर का रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगेन वो आपसे पैसा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगेन जो अच्छा बंदा होगा वो बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा, ही विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको गाड़ी दे देगा एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन स्टिल आप लोगों को एक चीज रिकमेंड कर रहा हूँ, भाई लोगो मेरे साथ पर्सनली जब मैं सबसे पहली बार गोवा आया था, मैंने थार हायर की थी। मैं आपको बोलूंगा थार हायर मत करना, ऑफ सीजन के टाइम पे बहुत गर्मी होती है, आप पागल हो जाओगे और भाई बावलों की तरह इधर घूमोगे। और उसने क्या किया था, उसने मेरे को कहा था कि भाई मैंने तो आपको फुल टंकी करके दी थी, मैंने उसकी फोटो नहीं ली थी, जिसकी वजह से मुझे उसको 1000 रुपए देने पड़े थे। और अगर आप उनसे लड़ोगे तो अगेन उनकी जगह है, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो हाईली रिकमेंड भाई, सही कह रहे हैं मुसाफिर भाई, सही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल 100% सही है भाई। तो ये चीज थी जो कि आप लोगों को बताना जरूरी था। एंड एक चीज, ये टिप मान लो या फिर भाई की तरफ से एक रिकमेंडेशन मान लो, लेकिन प्लीज ऐसा ही फॉलो अप करना है एंड इट्स गुड फॉर यू ऑल्सो। दिस साइड गाइस, आई होप कि आप लोगों को जो है आज की ये वीडियो समझ आ गई होगी। अभी जो गाड़ी हमने हायर करी है वो कहाँ है, इधर है, ये जस्ट मेरे पीछे है। तो हमने यहाँ पर मारुति स्विफ्ट हायर की थी। तो आप लोगों को मैंने एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ बता दी, अगर आप में से कोई भी गोवा आ रहा है या फिर आप किसी भी स्टेट में जाते हो तो आप लोग इस चीज़ों का ध्यान रखना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई लव यू ऑल। और आप लोगों का जितना सपोर्ट है दैट इज़ फुल पावर, और ऐसे ही प्यार सपोर्ट दिखाते रहो एंड आई लव यू ऑल फॉर दैट। सो विद दिस सेड गाइस, करते हैं आज की इस वीडियो को एंड। सो लाइक शेयर कमेंट करके मत जाना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखिए MUSAFIR7811 यानी कि मुसाफिर 1811। सो विद दिस सेड गाइस, करते हैं आज की वीडियो को एंड। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय। बॉडी देख रहे हो, ये